फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मसाला मशरूम, जो कि हमें बिल्कुल ही देसी फ्लेवर देता है और जो कोई भी टीनेजर कुक कर सकता है। और उन्हें दो टुकड़े में काट दीजिए, फिर ऑयल मतलब गर्म पैन में उसे हल्का सा फ्राई कीजिए नमक डाल के। उसे तब तक फ्राई कीजिए, मीन्स 10 मिनट से ज़्यादा मत फ्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर उसे अच्छे से भूनते रहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मशरूम बनाना बहुत आसान हो सकता है। फिर जीरा का छोंक दीजिए, मतलब मशरूम निकालने के बाद। फिर उसमें ऑनियन, गार्लिक या जो भी मिलाना है आप मिला सकते हो, टमाटर, और हल्का सा फ्राई कर दीजिए। टमाटर तभी ऐड करें जब आपका ऑनियन हल्का सा रेडिश हो जाए। और उसके बाद फिर उसे फ्राई करते रहे 2 मिनट। टमाटर है वो पूरी तरीके से सीख जाए। और फिर आप अपने कंटेनर से आपके मशरूम के सारे मसालों को पैन में डाल दें और उसे अच्छे से फ्राई होने दें। और उसे चारों तरफ से मिक्स करते रहे ताकि वो नीचे ना जले। और फिर थोड़े टाइम तक देखते रहे ताकि आपका मसाला अच्छे से भून जाए और रेड हो जाए। फिर आप उसमें हल्दी और नमक ऐड कर सकते हो और फिर उसे अच्छी तरीके से मिलाएं ताकि वो इसका टेस्ट हर एक जगह सही तरीके से फैल जाए। फिर नमक भी ऐड कर दें। आप नमक अपने हिसाब से ऐड करें, जैसे आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद है तो कम ऐड करें। फिर उसे मिक्स करते रहें। हम सॉरी, मैं बहुत हार्ड। उसके बाद जब वो पूरा रेड हो जाए तब फिर आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा उबाल आने का वेट कर सकते हो। जब उसमें उबाल आ जाए तो फिर आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने भुजे हुए मशरूम से मिला देना है। मशरूम और पानी को अच्छे से मिक्स होने देना है। और जब मशरूम में फ्लेवर आ जाए तब फिर आप उसमें अपनी पसंद की और भी कुछ चीज़, अगर आप जैसे कि कर्ट या तो फिर आप कद्दू करते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो अभी। और कर्ट नहीं ऐड करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। और अब आपको इसमें अपने पसंद की फ्लेवरिंग देनी है तो फ्लेवरिंग के लिए आप धनिया पत्ती वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें एक्चुअली में धनिया पत्ती डाला है एट दी एंड, जब मैंने मीन्स फाइनल टच के लिए। तो वैसे अभी तो उसे और थोड़ा फ्राई होना है तो मैंने इसे फ्राई कर दी। हम लोग इसे फ्राई करते हैं, कुक करते हैं थोड़ा एंड देन एट दी एंड हम इसमें धनिया पत्ती मिला देंगे। और आप चाहे तो और भी कुछ मिला सकते हो या तो आप स्किप भी कर सकते हो। और मैंने इसमें धनिया पत्ती मिला दिया है। एंड नाउ टू द एंड ऑफ द पार्ट, हमारा डिलीशियस मशरूम मसाला इंडियन स्टाइल से तैयार हो चुका है। अगर आप कोई टीनेजर हो तो आप इसे बेसिकली तैयार इसे रेडी करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज है। और ये चिकन पनीर ये सबको फेल कर देगा। आप एक बार बनाओ, ट्रस्ट मी। एंड डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ख़राब लगा तब भी मुझे बताएं। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो आई एम इन लव विद दिस मसाला मशरूम एंड आई एम गोना ईट इट। बाय। तब तक मैं ज़रूर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। Thanks for watching the video.